साथियों वेलकम बैक, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज फिर एक बार बात करेंगे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत परमाणु संरचना के दूसरे पार्ट, दूसरे भाग की बात। पहला सेक्शन में मैं परमाणु, परमाणु की विशेषता और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में समझा चुका हूं। हमने देखा कि जॉन डाल्टन ने परमाणु से संबंधित कैसे कैसे चीजों को व्याख्या किया, वर्णन किया, और जिससे दुनिया को यह पता चला कि एटम सबसे सूक्ष्म कण है और उसी से तत्व बनते हैं, तत्वों से यौगिक बनते हैं, पदार्थ पृथ्वी पर जो बना हुआ है वो उसी परमाणु से बनता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते एक चीज पता चला कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है, परमाणु से भी छोटे बहुत सारे उसके अंदर कण है। और ये बात सबसे पहले जे जे थॉमसन ने बताया और वहां से एक एक करके धीरे धीरे एटम को तोड़ करके, एटम को विखंडित करके नए नए कणों की खोज होने लगी, जिसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल की बात हमने किया था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास के माध्यम से, जिसमें हमने कहा कि परमाणु का तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी मेसॉन, न्यूट्रिनो या और भी कई छोटे छोटे कण है जिसके द्वारा एटम बना हुआ। तो आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से तीन फंडामेंटल पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, उसकी खोज कैसे हुई, कैसे उसके बारे में पता चला और इन तीनों कणों का क्या मौलिक विशेषता होता है। तो चलते हैं, देखते हैं इसी के बारे में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद ये एक बड़ा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर विषय में, हर जगह पर आपको इन तीनों के बारे में कुछ न कुछ जानने का मौका मिलेगा और इसलिए हर बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछता। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो जे जे थॉमसन के वर्क से लगा। क्या क्या उन्होंने, इसी को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल को। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि एटम जो था पहले, ये एटम के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये सबसे छोटा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद के अध्ययन से पता चला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर ही एक एक करके तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल, एक जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जिसका नाम प्रोटॉन है और तीसरा जिसका नाम न्यूट्रॉन है। तो यही तीनों की हम चर्चा करेंगे और तीनों के डिस्कवरी या खोज से संबंधित बातों को देखेंगे और तीनों का फंडामेंटल कैरेक्टर्स पर बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए, एक मौलिक साइंस का सबसे बेसिक विषय वस्तु है जिसको समझना। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। पहला हम दिखने जा रहे हैं, नाम है इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इलेक्ट्रॉन, इसी को पहले समझ लेते हैं और जब इलेक्ट्रॉन समझ लेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन से संबंधित इसकी विशेषता को भी देखा जाए। तो पहला तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पहला कण था इन तीनों में जिसको खोजा गया, और खोजा गया इसको 1897 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना है, 1897 ईस्वी में पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। खोजने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना कि खोजा किसने, तो खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे कि खोजकर्ता के रूप में एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है जिनको जे जे थॉमसन कहा जाता। तो जे जे थॉमसन का ये बड़ा इंपॉर्टेंस वर्क था जिसके द्वारा लोगों को पता चला कि एटम के अंदर एक सूक्ष्म पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन का नामकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण किया था ये एक दूसरे व्यक्ति ने किया जिसका नाम था अस्टोनी। तो ये ध्यान रखना है दो पॉइंट। कभी पूछे कि इलेक्ट्रॉन खोजा किसने, तो जे जे थॉमसन ने खोजा, और इलेक्ट्रॉन नामकरण किसने किया, तो स्टोनी ने किया। अब यहां पर 1897 में जे जे थॉमसन ने जो किया उसको यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि खोजा गया था एक प्रयोग के आधार पर। तो ये ध्यान रखना है, खोजा एक एक्सपेरिमेंट किया जे जे थॉमसन, और एक प्रयोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये ध्यान रखना है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या इसी को
विसर्ग नली प्रयोग कहा जाता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। कभी कभी पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था किस प्रयोग के माध्यम से, तो आपको ध्यान देना है इसी प्रयोग का नाम जिसके द्वारा 1897 में ये बात लोगों को पता चले क्या था ये प्रयोग। इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक तौर पर देखेंगे और उसी से आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ध्यान रखना कि जे.जे. थॉमसन ने एक ट्यूब का निर्माण किया था और इसी ट्यूब का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस प्रकार से एक ट्यूब बनाया और जो ट्यूब बनाया था वो एक कांच की नली थी जिसको इस रूप में डिजाइन किया गया। तो ध्यान रखना है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया जे.जे. थॉमसन ने और इसको बैटरी से कनेक्ट करके विद्युत को फ्लो कराना चाहते थे। तो सबसे पहले तो समझना है कि ये प्रयोग किस प्रकार हुआ और क्या उद्देश्य था। तो ध्यान देना है कि जे.जे. थॉमसन एक चीज जानना चाहते थे कि क्या गैसों से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है या विद्युत का प्रवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इसी को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब कांच की नली थी, इसमें गैस ले लिया और दो इलेक्ट्रोड लगाया। ये वाला इलेक्ट्रोड वाला कैथोड था और इधर वाला एनोड था, और इस प्रकार दो इलेक्ट्रोड लगा करके इस कांच की नली का निर्माण किया और साथ ही साथ इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया। तो ये ध्यान रखना है वैक्यूम पंप को, तो वैक्यूम पंप जिसको बायो चूसक पंप कहते हैं, जिससे आप गैस को खींच कर बाहर कर सकते हैं, और एक बैटरी लगा दिया जिसके द्वारा पोटेंशियल अप्लाई किया जा सके। और इस प्रकार जब ये डिस्चार्ज ट्यूब बन गया तो इसमें गैस लेकर के इसके दो चीजों को कंट्रोल किया, वोल्टेज को बहुत हाई कर दिया और वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट, और जबकि वैक्यूम बहुत कम करके प्रेशर को कम कर दिया और लगभग 0.01 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बहुत कम। तो पहले तो ध्यान रखना है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका कंडीशन लगा हुआ था कि वोल्टेज बहुत हाई था, प्रेशर बहुत लो था, और जैसे ही ऐसा किया तो जे.जे. थॉमसन को एक नया चीज दिखा कि इस ट्यूब के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ एक रे किरण जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से ये किरण मूव करती हुई दिखी, और इसीलिए इस किरण के बारे में चूंकि पहले से पता नहीं था, इस किरण की वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी है। तो ध्यान रखना है इसी प्रयोग को एक और नाम दिया जा सकता है, प्रयोग में या करके लिख सकते हैं कैथोड किरण प्रयोग। तो ये ध्यान रखना ये कैथोड किरण प्रयोग था, और ये प्रयोग इसलिए कि पहली बार यहां पर एक किरण की जानकारी मिली जिसको कैथोड किरण कहा गया। तो ये ध्यान रखना है कि एक कैथोड किरण की खोज हुआ, तो कभी कभी दो पॉइंट पूछेगा। पहला पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे.जे. थॉमसन, या पूछ दे कि कैथोड किरण की खोज किसने किया, तो भी जे.जे. थॉमसन का ही नाम आएगा, क्योंकि इसके पहले इस किरण के बारे में लोगों को पता नहीं था। अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि कैथोड किरण जो निकला वो कैथोड से निकला और एनोड की तरफ जाता हुआ दिखा, और ये पता होना चाहिए कि जो जिधर से चलता है उसका नामकरण उसी रूप में होता है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पछुआ हवा इसलिए कहते हैं कि वो पश्चिम से आता है, पूर्व हवा इसलिए कहते हैं कि वो पूर्व से आता। उसी तरह से ये किरण चूंकि कैथोड से निकला था इसलिए इस किरण का नाम ही कैथोड किरण रख दिया, और ये एक अलग तरह का किरण था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। और जे.जे. थॉमसन ने एक नहीं अलग अलग गैसों को डाल करके इस चैम्बर में प्रयोग को किया, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, कभी नाइट्रोजन, अलग अलग गैसों को डाल करके यही कंडीशन लगाया, तो देखा कि हर बार में इसी तरह की किरणें उत्सर्जित होती। और इसी के बारे में कैथोड किरण जब पता चला तो थॉमसन इसका कुछ गुण को स्टडी किया, और जब गुण स्टडी किया तो दो तीन तरह के गुणों का विशेषता यहां दिखा। और जब कैथोड किरण के गुणों को स्टडी किया तो पहला पता चला कि ये किरण जो है एक कण से बना हुआ है, ये ध्यान रखना, ये पता चला कुछ गुणों का अध्ययन करने से। अध्ययन क्या किया कि इस किरण को बाहर लाया और किस किरण के रास्ते में ऐसे किरण चल रहा
तो इस किरण में जब बाहर आया, एक कैथोड किरण से जब बाहर आया, तो यहां पर इस किरण के मार्ग में कुछ चीजों को रखा गया और इसी के द्वारा कुछ कैरेक्टर पता लगा कैथोड किरण का। तो ये कैथोड किरण ऐसे मूव कर रहा था और इसी के रास्ते में एक बहुत ही लाइट ब्लेड का फैन लगाया। जैसे देखते होंगे कि मेला वगैरह में बच्चों के हाथों में एक चक्र होता है जो हवा लगने से घूमने लगता है, तो हवा लगने से घूमता है, उसी तरह का फ्लाई व्हील एक बहुत हल्का लाइट वेट का इसके रास्ते में रखकर देखा और जैसे ही रखा तो ये फ्लाई व्हील ऐसे घूमने लगा और घूमने से पता चला कि एक्चुअली ये जो किरण है, इस किरण के अंदर कुछ पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल जब मूव करते हुए इस ब्लेड से टकराते हैं तो ये फैन घूमने लगता। और इसी के द्वारा एक चीज पता चला कि एक्चुअली में ये कण का बना हुआ है, एक्चुअली किरण भी है और किरण जो है पार्टिकल के रूप में है, कण के रूप में। इसके अलावा देखा कि अगर इस किरण के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाए, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव चार्ज रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो ये जो किरण है जो सीधा चल रही थी ऐसे इधर से इधर, ये सीधा ना चल करके ये मुड़ने लगती है और ऐसे मुड़ करके ये इधर जाती है। तो ये जो इधर गया मतलब पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ जाने की वजह से एक वैज्ञानिकों को एक नया निष्कर्ष पता चला कि एक्चुअली में जो किरण है पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, मतलब ये किरण खुद जो है ये अपने आप में एक निगेटिव चार्ज लिए हुए। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज जब असमान होता है तभी अट्रैक्शन होता और जब समान चार्ज होता है तो रिपल्सन होता। यहां देख रहे हैं कि अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा, मतलब ये निश्चित तौर पर निगेटिव है। और इसलिए ये भी पता चला कि कण का बना हुआ है और कण जो है वो ऋणात्मक आवेश से चार्ज है, मतलब ऋणात्मक आवेश इस पर पाया जाता है। और ये एक नया चीज पता चला, अर्थात यहां से एक नए चीज की पता चल गया कि एटम है, इसमें गैस का एटम लेंगे और एटम जब टूटता है तो उसी के अंदर से कण बाहर आता है, वो कण जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। और यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई 1897 में। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया, जो कैमरा में पहले रील हुआ करता था जिसमें फोटोग्राफ्स खींचते थे, तो रील जब रखा गया इसके रास्ते में तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करता, जैसे प्रकाश किरणें पड़ने से फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जाता, वैसे ही कैथोड किरण से भी फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित होता है। मतलब ये ध्यान रखना है कि ये जो कण है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, मतलब ये वैसा ही किरण है जैसा प्रकाश किरण होता है, तो उसी जैसे गुणों से सुसज्जित इस कण के बारे में जानकारी मिली। अब यहां ध्यान रखना कि जब इतना चीज पता चल गया लोगों को तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया जिज्ञासा लोगों में जागृत हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है या आप पढ़े होंगे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक चीज और बताया गया था कि कोई भी एटम जो होता है वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये ध्यान रखना, न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ये एक चीज पहले से पता था लोगों, क्योंकि चार्ज जब होगा तो चार्ज का प्रभाव दिखेगा, लेकिन कोई एटम लें और एक एटम ले लें ऐसे और इस एटम पर अगर चार्ज देखे तो इस पर चार्ज जीरो होता, कोई चार्ज नहीं एटम पर, नेचुरली जो भी प्राकृतिक स्टेट में होगा कोई भी एटम या परमाणु उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहां एक नया चीज पता लगा कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आया इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इस पर चार्ज पता लगा कि माइनस है, तो ये एक नया चीज लोगों के बारे में, लोगों के लिए एक नया कौतूहल का विषय हो गया, लोगों में या वैज्ञानिक में या रसायन शास्त्रियों में एक नया तरह का डिबेट होने लगा कि आखिर जब एटम पर चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो आखिर ये चार्ज है कैसे। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर यहां कोई ना कोई और फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके कारण एटम का चार्ज जीरो होता, और यहीं से इलेक्ट्रॉन का खोज होना और इलेक्ट्रॉन खोज होने के साथ साथ प्रोटॉन के खोज का आधार
बनकर तैयार हो जाना इसी प्रयोग में निहित था। क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते होंगे फिजिक्स में, तो पता होगा कि अगर कोई माइनस चार्ज ऐसे रखा जाए एटम में, चूंकि इलेक्ट्रॉन मान लेते अंदर यही बाहर आया, इस पर माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज जब होगा तो ये माइनस चार्ज एटम पर दिखना चाहिए, क्योंकि आवेश जो होता है वो बंद नहीं रखा जा सकता। किसी भी पिंड पर चार्ज रखेंगे तो चार्ज जो होगा वो पिंड के सतह पर होगा, अंदर में नहीं होगा। और इसलिए वैज्ञानिकों को एक चीज तो प्रमाणित हो चुका था कि अंदर में इलेक्ट्रॉन है, बाहर में मतलब चार्ज नहीं है, बाहर में जीरो चार्ज मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण निगेटिव होना चाहिए, लेकिन निगेटिव है नहीं, ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तभी हो सकता है जब इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो, बिना पॉजिटिव पार्टिकल के ये न्यूट्रल हो नहीं सकता। तो हमने कहा इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज होना और उसकी जानकारी के आधार पर प्रोटॉन के बारे में भी एक नया तथ्य आ गया था जानकारी लोगों में कि निश्चित तौर पर यहाँ पर पॉजिटिव भी है। क्योंकि हम लोग फिजिकली कई चीजों को पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं, तो अगर माइनस वन है और आपको जीरो लाना है तो प्लस वन जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस वन और प्लस वन जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। और यही वैज्ञानिकों में था कि अगर ये जीरो हो रहा है अंदर माइनस, निश्चित तौर पर कि अंदर में कोई पॉजिटिव भी, और जब पॉजिटिव के बारे में लोगों को एक अनुमान लग गया तो लोगों ने फिर से स्टडी करना शुरू किया और सेम प्रयोग को यही, और तब प्रोटोन के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रोटोन के बारे में। और जब प्रोटोन के बारे में स्टडी हुआ इलेक्ट्रॉन के बाद, तो कुछ अलग नहीं था, सब कुछ सिमिलर था, जैसा इलेक्ट्रॉन में था उसी तरह के आधार पर प्रोटॉन का भी खोज की गई। तो दूसरा जो पार्टिकल था ये प्रोटॉन था, और ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज किया एक व्यक्ति ने किया था, नाम था यूजेन गोल्डस्टीन, ये ध्यान रखना। तो यूजेन गोल्डस्टीन ने इसको खोजा, जबकि कई जगह पर इसका नाम रदरफोर्ड भी देता। तो ध्यान रखना है प्रोटॉन की खोज के बारे में, तो यूजेन गोल्डस्टीन ने खोजा था, और ये खोजा था 1911 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। 1897 इलेक्ट्रॉन खोजा गया, 1911 में यूजेन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बता दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसी प्रोटॉन के बारे में 1920 में आकर के रदरफोर्ड ने भी तथ्य को प्रस्तुत किया, और इसलिए कहीं कहीं रदरफोर्ड भी आंसर में देता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर खोज की बात आएगी तो यूजेन गोल्डस्टीन का ही नाम आएगा। अब यहां ध्यान दे कि यूजेन गोल्डस्टीन में इन्होंने 1911 में ही बताया कि एटम के अंदर एक धन आवेशित या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको बाद में प्रोटोन के रूप में रदरफोर्ड ने 1920 में प्रस्तुत किया। तो ये ध्यान रखना है, खोजकर्ता पूछे आपका ऑप्शन रहे तो आप यूजेन गोल्डस्टीन ही मारे, अगर ये नहीं होगा आंसर तो रदरफोर्ड मारे। अब यहां पर हुआ क्या कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन के खोज के साथ ही प्रोटोन का आधार तैयार हो चुका था। तो जब ये चीज पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है अंदर में और वो इस तरह के गुणों से सुसज्जित है, और बाद में पता चला कि इसके अंदर जीरो चार्ज होने के लिए निश्चित तौर पर पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रख करके यूजेन गोल्डस्टीन ने इसी तथ्य को फिर से दोहराया, मतलब सेम प्रयोग किया गया, रिपीट किया, लेकिन प्रयोग का नाम बदल गया। डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट तो था, लेकिन यहां प्रयोग जो आया इस प्रयोग का नाम रख दिया कैथोड के जगह एनोड किरण प्रयोग। तो कैथोड किरण प्रयोग उन्होंने किया था और इन्होंने कर दिया एनोड किरण प्रयोग। तो याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज एनोड किरण प्रयोग से हुआ, किया क्या, सब कुछ सिमिलर था, और सब कुछ सिमिलर होने के साथ साथ यहां पर गोल्डस्टीन ने दो चेंज किया, एक तो परफोरेटेड कैथोड ले लिया। तो पहला तो यह ध्यान रखना है कि कैथोड में परफोरेटेड कैथोड का एक कॉन्सेप्ट लाया, मतलब इस प्रयोग में और जे.जे. थॉमसन के प्रयोग में एक अंतर था कि जो कैथोड था यहां पर ये कैथोड छिद्र युक्त था। तो ये ध्यान रखना है कि छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया जे.जे. थॉमसन ने, जो किया था कैथोड उसी में कैथोड प्लेट में छोटा छोटा महीन महीन छिद्र कर दिया गोल्डस्टीन ने,
और जब छिद युग कैथोड को लिया और प्रयोग को सब कुछ दोहराया तो देखा कि कुछ किरण जो है जैसे इधर जाती है वैसे ही किरण इधर भी आती। तो ये किरण इधर से आ रही थी मतलब कैथोड से जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा और आई तो यहां पर जब शीशे से टकराई तो यहां शीशा चमकता हुआ दिखाई दिया। तो जो किरण इधर से इधर आ रही थी इसी का नाम रख दिया कैथोड की, कैथोड के जगह एनोड किरण। तो ये ध्यान रखना है कैथोड किरण के जगह एक नए किरण की खोज हो गई एनोड किरण। और एनोड किरण चूंकि एनोड से कैथोड की तरफ जाती थी इसलिए एनोड किरण और इसलिए प्रयोग का नाम एनोड किरण प्रयोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट 1911 में आया और इसी के द्वारा प्रोटोन की जानकारी मिली। तो प्रोटोन के बारे में जो पार्टिकल के रूप में था चार्ट भी था और वैसा ही गुण जो लगभग सभी गुण इलेक्ट्रॉन में थे उसके विपरीत इसमें देखे गए। जैसे यहां पर जब पॉजिटिव निगेटिव के बीच रखा और अगर ये इधर गया है तो इसी को अगर दोहराए तो दोहराएंगे तो वही सेम चीज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए इधर पॉजिटिव रख दिया जाए और इधर निगेटिव रख दिया जाए और बीच से एनोड रे को ऐसे गुजारा जाए तो एनोड रे को ऐसे गुजारेंगे तो अगर न्यूट्रल फील्ड होगा तो सीधा चला जाएगा लेकिन अगर इसको फील्ड में ले जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ ना जा करके ये इधर आना चाहता ये सब निगेटिव की तरफ मूव करने लगता। तो निगेटिव की तरफ मूव करता है मतलब ये जो है खुद क्या है पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो चार्ज मिला प्रोटोन के रूप में ये प्रोटोन धन आवेशित कण के रूप में मिला जबकि इलेक्ट्रॉन जो था वो ऋण आवेशित था जस्ट उसका उल्टा। इसके अलावा जब यहां भी फ्लाई व्हील को रखा गया तो फ्लाई व्हील को रखा तो फ्लाई व्हील यहां भी घूमने लगा टकराने से तो पता चला कि ये किरण तो है ही और किरण के साथ साथ ये सूक्ष्म कण के रूप में और इसी धन आवेशित कण को वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया जिसको प्रोटोन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की खोज हो गई और ये खोज दो वैज्ञानिकों के प्रयास से एक जे.जे. थॉमसन ने एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया रिस्टार्ट रे एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत और जबकि यूजेन गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट कर लिया और दोनों के द्वारा दुनिया को एक नया तथ्य मिल गया कि एक्चुअली में एटम अकेले नहीं उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स है छोटे छोटे कण होते हैं। एटम भले न्यूट्रल होता है लेकिन एटम के अंदर जो कण है वो पॉजिटिवली चार्ज भी है और निगेटिवली चार्ज भी है और यही जब पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो एटम का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है या चार्ज जीरो हो जाता और इस प्रकार एटम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की खोज हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब जो खोज हो रहा है ये तब हो रहा है जब एक ही चीज पता है वैज्ञानिकों को और वो चीज है एटॉमिक वेट परमाणु भार। परमाणु भार के अलावा कुछ भी पता नहीं है दुनिया को कि क्या है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम का वेट पता। जैसे हम एग्जांपल लिखें तो इस समय अगर कार्बन के बारे में देखा जाए तो ये कार्बन जो है इसका एटॉमिक वेट 12 होता है ये वैज्ञानिकों को पता था। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है ये पता था। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं था वैज्ञानिकों और इसी एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोजा गया। अब जब दोनों को खोज लिया तो अब कुछ बचा नहीं था लोगों को लगा कि अब तो एटम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रख रहे हैं सब कुछ पता है हमें कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम छोटा तो नहीं है उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है और यही दो कण मिलकर के एटम बना होता। अब जब ये दोनों चीजों की जानकारी हो गई तो लोगों ने इन दोनों तथ्यों के आधार पर एटम को कैलकुलेट करके चीजों को स्टडी करने का काम शुरू किया। लगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन ही है तो इन दोनों के मास से जोड़ करके जब मास निकाला जाए तो परमाणु का मास प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल दें कि एक थैला हो ऐसे और इस थैले में पता हो आपको कि एक बैग है ये एक थैला है और इस थैले में दो चीज रखा हुआ अगर यहां इसमें 1 kg चीनी है और 2 kg आटा है
इसमें दो पाउच में रखा गया। अब इस थैले का वजन पूछे तो आप बता सकते हैं 1 केजी और 2 केजी, टोटल 3 केजी होगा इस थैले में। बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है कि दो ही वस्तु है, दोनों का वेट पता है, तो जोड़कर हमको उस टोटल का वेट हमको मिल जाना चाहिए। और यही वैज्ञानिकों को द्वारा भी काम किया जा रहा था। जैसे कार्बन के बारे में पता था कि कार्बन का वेट 12 होता है एक एटम का, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए तो वेट 12 मिलना चाहिए। मतलब अगर कार्बन को लें ऐसे और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लें और प्लस प्रोटॉन ले लें तो कार्बन का कुल मास मिल जाना चाहिए। जो मास कार्बन का 12 होता है, ये 12 इन दोनों को जोड़कर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब 12 है कार्बन का वेट तोलने पर, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका वेट 6 ही मिलता है, 6 कम हो जाता। अब ये एक नया दुविधा था वैज्ञानिकों में कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता है, दोनों के बारे में जानकारी पता है, तो फिर ये मास घट क्यों रहा। अब जब मास घटने लगा, 12 बराबर 6 मिला कि कार्बन का आइटम का 12 वेट है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ते हैं तो 6 ही मिलता। मतलब यहां 6 जो शॉर्ट है, ये 6 प्लस 6 जो कम हो रहा है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। अब यहां से रसायन शास्त्री या विज्ञान के क्षेत्र में एक नया विवाद आ गया कि आखिर ये मास कम क्यों रहा। इसका मतलब है कि दो कारण हो सकता, कारण यही कि या तो हमें वेट गलत दिया गया हो तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 केजी के जगह अगर 2 ही केजी मिले, मतलब ये वेट गलत किया गया, या तो इसके अलावा यहां पर तीसरा कोई ना कोई एक और पदार्थ है, एक और मटेरियल जिसका वजन हमको पता नहीं। तभी ऐसा हो सकता कि थैले का वजन 5 किलो मिले लेकिन इसमें वजन 3 ही केजी रखा हुआ, तो 2 केजी शॉर्ट कर रहा है, तो 2 केजी निश्चित तौर पर या तो मास मेजरमेंट लेने में गलती किया गया हो, या नहीं तो उस थैले में 2 के अलावा तीसरा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद है। और इस प्रकार से एक चीज ध्यान रखना है कि इसी तथ्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने फिर से न्यूट्रॉन के या तीसरे एटम के तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कार्य करना शुरू किया, और यहीं से तीसरे पार्टिकल के खोज का आधार तैयार हो गया। और ये काम किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जेम्स चैडविक, और जेम्स चैडविक ने जो किया वहां से न्यूट्रॉन के खोज का पूरा काम संपन्न हो गया। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां क्या किया गया, तो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल को लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, तो तीसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल था वो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन को खोजा एक व्यक्ति ने, तो खोजकर्ता याद रखना है, यहां पर खोजकर्ता का नाम आता है जेम्स चैडविक। तो ये ध्यान रखना है जेम्स चैडविक ने खोजा, और इन्होंने एक प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था, तो प्रयोग एक इंपॉर्टेंट प्रयोग था, और वो प्रयोग का नाम याद रखना है, इन्होंने एक काम किया बेरिलियम पर अल्फा किरण का प्रहार कराया। तो ये ध्यान रखना है प्रयोग का नाम, कभी कभी पूछ देता, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन के बारे में पूछेगा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा तो बेरिलियम पर अल्फा किरण का प्रहार। तो बेरिलियम एक एटम है, आपको पता होगा बेरिलियम एक परमाणु है धातु के रूप में Be, जिसका 4 होता है और 9 होता, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9, और इस पर अल्फा किरण का प्रहार कराया। और अल्फा किरण का जब प्रहार कराया तो एक नया एटम तैयार हुआ, कार्बन 6 और 12, और साथ में एक पार्टिकल बाहर आ गया, और ये जो बाहर आया इसी का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था दुनिया के लिए कि बेरिलियम धातु पर जब अल्फा किरण का अटैक होता है तो कार्बन एटम बन जाता है और उसके अंदर से एक नया कण बाहर आ जाता, और जो कण को देखा गया तो इसके गुणों के आधार पर एक नया चीज पता चला कि कण जो है ये एक तो कण है, जैसे फ्लाई व्हील रखते तो ये भी फ्लाई व्हील को टकराने के साथ घुमा देता, दूसरा
कि ये गुण फ्लाईव्हील को घुमाने की वजह से इसको माना गया कि प्रोटॉन भी एक प्रकार का कण है जो एटम के अंदर से बाहर आया। दूसरा पता चला कि ये जो है एक उदासीन कण है। उदासीन इसलिए कि जब इस न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया गया, मतलब अगर यहां पर ऐसे हम पॉजिटिव और निगेटिव फील्ड लगा दें और बीच से न्यूट्रॉन को गुजारे, तो न्यूट्रॉन जो है ये कहीं भी नहीं जाता, ना पॉजिटिव की तरफ ना निगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ ना जाकर के अपने रास्ते पर चलते रहता है। इसलिए माना गया कि इस पर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं, और जिस पर जीरो चार्ज होता है उसको उदासीन कहा जाता, और उदासीन के कण होने की वजह से ही इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। और ये काम खोजा गया, जो खोजकर्ता थे जेम्स एचविक ने ये काम किया 1932 ईस्वी में। और इस प्रकार से एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई इन तीन प्रयोग के आधार पर, जिससे दुनिया को एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पता चला कि एटम छोटा नहीं है, एटम से छोटा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन मौलिक कण है। इसके अलावा मेसोन है, न्यूट्रिनो है और पॉजिट्रॉन और भी कई कण। तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल की जानकारी मिल गई 1932 आते आते, और यहां से पूरी तरह से साइंस बदलने लगा। अब यहां पर एटॉमिक फिजिक्स की बात आ गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब एटम के अंदर की संरचना की बात होने लगी कि आखिर ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है तो इसका व्यवस्था कैसे है, कैसे ये काम करते हैं, अंदर में कैसे रहते हैं, ये सब चीजों की चर्चा होने लगी। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात, इसके फीचर्स, इसके करेक्टर को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जोड़ने का प्रयास करें ताकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो ध्यान रखना है कि इसके बाद हम लोग अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फीचर को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब परमाणु के संरचना की बात आएगी, जिसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, थॉमसन का मॉडल देखेंगे, और फिर एटम के अंदर के इनर्जी या सारे तथ्यों को स्टडी करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा परमाणु संरचना का अगला वीडियो। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, देश को बचाएं, खुद को बचाएं, और अपना काम कंटिन्यूटी, निरंतरता के साथ जहां भी हैं करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।